मॉर्निंग एवरीवन, केम छो? जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी बजे सुबह के 9:30 हुआ। थोड़ा वीडियो लेट चालू किया है क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा काम वगैरह निपटाना था, तो वो सब निपटा दिया। मेरा एक माइनस पॉइंट है थोड़ा कि मुझे इधर उधर थोड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं जब भी ठीक करती हूँ तभी थोड़ा लगता है ना अब ठीक है, अब रहना पसंद आएगा, अब मज़ा आएगी, थोड़ा ऐसा है। तो वो सब क्लीन अप किया, सब कुछ किया, तो अभी वो है फ्री हम लोग। और यहाँ पे हेजू और रूही दोनों अपने झूले में झूल रहे हैं कि रिंकू भी यहाँ पे सन बाथ ले रही है, और आरोही और किंजल रूम में आराम कर रहे हैं। और पापा और दर्शक जा रहे हैं सावर कुंडला, और नेसडी एक मैरिज है, और सावर कुंडला दर्शक को कोई जय विलेज का काम है, इसलिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। दूसरी बात, मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर पापा का सुविचार और मम्मी का भजन मिस करेंगे ही करेंगे, तो हार्दिक भाई वो क्लिप मुझे वहाँ से लेके यहाँ पर भेजेंगे। किसी खरीदारी करनी है तो हो सके तो मैं आपको ये चलाला की मार्केट वगैरह, मतलब कि गांव की गलियाँ बताऊँगी। लेकिन क्या होगा कि मैं जब एक्टिवा चलाऊँगी तो फ़ोन कैसे मैं रख पाऊँगी, तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है, तो देखती हूँ कुछ हो पाए तो। सूरत हो या चलाला हो, शॉपिंग तो करनी ही चाहिए। गाँव में क्या बोलते, गाम में जावानू छे वस्तु लेवा माटे, तो हूँ आज गाम में जवानी छू। थोड़ी घनी वस्तु घर में खूटे छे तो लेवा माटे। ओके, अने हूँ बताईश शू शू लावीए। दादाए प्रोमिस करी थी ने वाडिये जवानू, क्यारे जवानू छे? ओमा ए लगन मा गया छे, ओमा थोड़ो घर आवे 5 मिनिट पछी जवानू। ओके, ती खाई लीधું? બ્રેકફાસ્ટ થઈ ગયું તારું? હા, શું ખાધું? એ કેમ રટા કતો પુડલું ને? પુડલું ને કેમ હતું? પુડલું ને બ્રેકફાસ્ટ કેમ કહેવાય એમ? હા, આપણે સવારમાં ખાઈએ ને એને બ્રેકફાસ્ટ કહેવાય કેમ? લો, મને ભૂખ લાગી છે. એ રિંકુ, સુબહ જો હમ લોગ ખાતે ઉસકો બ્રેકફાસ્ટ ક્યું બોલતે હૈ? वो मुझे नहीं पता है, वो तो प्लीज कमेंट में बताओ। मैं का क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि आंसर मेरे पास तो होता ही नहीं है। ना पिज्जा नूडल ना खवाए, हेल्दी हेल्दी खवाए। नहीं हेल्दी खवाए नहीं, वो टमी मार दो के फ्रेंड राइस पिज्जा नूडल फ्रेंड राइस। नो નો, અહીંયા જો રીંગણા દાદા હમણાં કેટલા ફાઇન ફાઇન રીંગણા ઉતાર્યા, રીંગણા નું શાક રોટી એવું બધું ખાવાનું। ત્યાં પે રૂહી કો પઢા રહી હે, આમ જો આ ગર્લ આ ફ્રોક પહેરે, પછી ગર્લ આ ફ્રોક પહેરે, પછી બોય લેંગી પહેરે, બોય ચડ્ડી પહેરે, યે પઢા રહી હે। ઓર ઇસ રૂહી કા તો ધ્યાન હી નહીં હે, દેખો રૂહી પઢને મે ઇતની ચોર હે ના, જો પઢને મે તો ધ્યાન હી નહીં હે। यहाँ पे दोनों बच्चियाँ अपने कलरिंग में थोड़ा बिजी है, और मेरा भी थोड़ा घना जो बाहर से लाना था वो मैंने ला दिया, वो मैं बता दूँ। और रिंकू के लिए लाए देवदावर थी क्वात, और इसमें क्या है पता है? वाकुंधारी ना, वाकुंधारी વાવડી વાકુંભા એવું કઈ કહેવાય। હા, એ જગ્યા છે, અને પોટલી કરીને પાણીમાં નાખવાનું, પછી પાણી પીવાનું રોજ, પેલું શું છે એ ઉકાળો છે, ડિલિવરી પછી તને જલ્દી રિકવરી થાય એનો ઉકાળો, એની માટે આ છે। તો આ થોડી ઔષધિઓ છે, અને આ થોડું અમારું તાવ, તેમાં તૂટી ગયેલું હતું સ્ટેન્ડ, હજી સ્ટેન્ડ લાવવા માટે કોઈ ફ્રી નહોતું, તો મેં સોચા ચલો મેં લા દેતી હું। અમારે સલમા બેન ભી આ ગયા હે અમારી હેલ્પ કરને કે લીએ। આપ લોગ હમને કમેન્ટ મેં પૂછા થા કે આપકે ઘર પે જો કામ કરને કે લીએ બહેન આતે હે વો તો કભી દિખે હી નહીં વિડિયો મેં, તો વો કા સબ કુછ કામ વો કર લેતે હે, તીન ટાઈમ કા બર્તન ઝાડૂ પોછા સબ, હમે સિર્ફ તીન ટાઈમ કા ખાના બનાના હે ઓર ખાના હે બસ, ઓર કુછ કામ નહીં હે, બસ સિર્ફ આટા મારના હે ઓર ગપ્પે લડાના હે, ક્યો અરુણ બાપા? ત્રણ ટાઈમ બનાના, ચાર ટાઈમ ખાવાનું, હા। અભી રિંકુ અપના વ્લોગિંગ ચાલુ કરેંગી, તો દેખો યહાં પે સારિકા બના રહી હે પોટલીયા મેરે લીએ,
इसे क्या कहते हैं सारिका? वाकुंभा वावड़ी, वाकुंभा वावड़ी, वावड़ी ना वाकुंभा। आई डोंट नो के आम आवे हूँ, पर आ तो बता पीवे એટલે બનાવું છું, પણ બાકી ઇન ડિટેલ મુજે પતા નહીં। बाबू सिखा रहे हैं कि कैसे बनाने हैं। तो पहले तो कॉटन का कपड़ा लेना है। ओके, इसमें ये वावड़ी, आम वावड़ी कहूँ, वाकुंभा कहूँ, वाकुंभा कहवाय, आ वावड़ी से, आ वावड़ी ना पूंभा, पूंभा नहीं कुंभा, कुंभा वो डालेंगे इसमें। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों आधा आधा रखना है, बाद में इस तरह से पोटली बांध लेनी है। और रिंकू की डिलीवरी हो जाए बाद में गरम पानी में पोटली डालकर वो ही पानी पीना है, और एजू को सॉरी रिंकू को पीना है। भाभी ने पिया हुआ है, भाभी कितने महीने पिया था? एक महीना तक पिया था। ओके, तो ऐसा है, तूने भी पिया था मुझे पता है। पिया था लेकिन कितने टाइम तक पिया था वो अभी तो याद नहीं है कुछ। तो इस तरीके से बनती है, किसी को बनाना है तो पोटलिया में सूरत से बना कर ही लाने वाली थी मुखवास और दोनों, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। सारी के पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, 24 घंटे मेरे को कम पड़ता है। तो अभी बनानी है भरवा बैंगन की सब्जी, तो मैं लेने आई हूँ धनिया एकदम फ्रेश। तो अभी आप ये देख लो कि आज सुबह सुबह सूरत में क्या हुआ था, मम्मी पापा और हार्दिक भाई क्या कर रहे थे और कैसे हार्दिक भाई ने ब्लॉग किया वो अभी मैं डाल रही हूँ। तो अभी सूरत का ब्लॉग देख लीजिए। सुबह के बज चुके 9:30। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का दिन है संडे का दिन, संडे के दिन जलसा करने का। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। केम छो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या है खबर आज की? आज की खबर में खास तो हीरा उद्योग अग्रगणी वालजी भाई केसरी का निधन हो गया कल। हमारी ऑफिस के बगल में उनका फैक्ट्री था। किस चीज का? हीरा उद्योग का, डायमंड, हीरे का डायमंड का फैक्ट्री, बहुत बड़ा था। और राजकारण में भी था और भाजपा का स्थापक था ये सूरत सिटी का, और बहुत नेक इंसान था। और कल उन्होंने उनका देह त्याग कर दिया। और 2 महीने पहले मेरे को मिलने के लिए ऑफिस पे आया था, तभी मैं था। हाँ, तभी तू भी था, तेरे को मालूम है। और तब से वो बीमार हो गया और 72 ईयर की एज में वो बेचारा चला गया, स्वर्गवास हो गया। ओके ओके, उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ऐसी प्रार्थना। ओके ओके। आज का सुविचार है, मनुष्य न किसी के सहयोग से न अपनी किस्मत से सफल होता है, वह तो अपने शुभ कर्मों से सफल होता है। ओके ओके। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ पबजी का टी शर्ट पहन के। मम्मी क्या करती है देखते है। मम्मी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जून याद आवे छे के नहीं? एकला एकला लागे क्या घर में? आकर एकला लागे तो ये जून रमकड़ा बधा ठेकाने करे। आज काल बधा पूछता था कामवाला बेन केम रजा बहु पाड़े से, पूछे ने केम रजा संगीता बेन बहु पाड़े से, क्यों बहुत रजा पाड़ते हो? एक दिवस पेट में दुखे, एक दिवस माथु दुखे, एवं करो छो ने संगीता बेन? कुछ जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर ही कर दिया। तो मम्मी अभी क्या प्लान है आपका? बस शाक कई नहीं तो बनाना लिए, बनाना ने सब्जी बनाई दो। आज बताई दो कई रीते बनाई। बहुत सारे लोग बनाना की सब्जी नहीं खाई होगी, जो आज उनको रेसिपी मिल जाएगी। बनाना छे कैसे हो? तो अभी बनाना की सब्जी की रेसिपी तैयार हो रही है। क्या डाल रही है मम्मी? पहला तेल मुकेल, हाँ, राय जीरो, पसी हल्दी, हल्दी डाल के टमाटर, टमाटर बाकी नमक डाल दिया, थोड़ा नमक, टमाटा ने बाटना बनाना बराबर, थोड़ी बार बाकी
चढ़वा देवाना टमाटा पछी बनाना डालना है छोटे छोटे टुकड़े करने तो खाने में थोड़ा ला जाए खाने में थोड़ा फावे खाने में थोड़ा फावे और लाए गावे हमारे टमाटर सब पक चुके हैं अच्छी तरह से तेल वेल अच्छे से डाल के बनाना भी कट चुके हैं बराबर मिर्ची डालते हैं और पापा आ गए हैं धनिया पाउडर ओहो हिंदी तो फूल आ गई है ना सही और भी पाव गई है धनिया पाउडर और मिक्स हो गया और उसके बाद बनाना डाल देना है पूरे का पूरा कितना बनाना है तीन लोगों के लिए पांच बनाना डाला है जिसमें लहसुन वाली चटनी हो ना उससे भी अच्छा बढ़िया बनता है लहसुन वाली नहीं बनाना चाहिए इसीलिए तो नहीं डाले इसीलिए नहीं नाखा है नहीं ना ऊपर जाएगा सेव इसके ऊपर सेव जाएगा और ऊपर से थोड़ा सा धनिया जाएगा फ्रेश धनिया कलर देख लीजिए इसके साथ दूध खाना है छाछ मत खाना छाछ खाएंगे तो सर्दी हो जाएगी मेरी तरह इसके साथ दूध ही खाना हाँ दूध ही खाना वरना मेरे जैसा हड़हड़ हो जाएगा देखो बहुत अच्छी लगती है सब्जी बहुत अच्छी लगती है हमारे घर में सभी लोगों को बनाना की सब्जी बहुत पसंद है भाभी को छोड़ के मालूम नहीं था बनाना की सब्जी होती है भाभी जब नए आए थे तब उसको मालूम नहीं था बनाना की सब्जी भी होती है तो मम्मी ने सिखाई थी वो खाई से के बच्चों के डेड और पापा क्या कर रहे हैं दिखाता हूँ मैं आप सब लोगों को रविवार के दिन ऐसे उठोते हैं पापा क्या कर रहे हो पापा ये सिंग फोल रहा हूँ सिंग फोल रहे हो आज संडे है ना टाइम पास कर रहा हूँ और काम भी हो जाए टाइम भी पास हो जाए बराबर है इसलिए कर रहा हूँ तो मम्मी आज का भजन सुना दीजिए भजन गाय लो हाँ राम पीनू घना के छे ते ई गाय लो आज तो एवा सपना आवे मने एवा सपना आवे अधराते ने मधराते मने एवा सपना आवे द्वारका ना राजा तमे पुकरण गढ़ मायावा तमे पीर तय पूजाणा मने वा सपना आवे देव की जिना कुवर मीना देवी ना जाया तमे कुमकुम पगले आयवा मने वा सपना आयवा तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी और हाँ कमेंट में जरूर बताना आपको सूरत वाला पार्ट कैसा लगा और चलाला वाला पार्ट कैसा लगा अब हम मिलेंगे कल बाय